नमस्कार, जन जन की आवाज जीएन भारत आपके समक्ष मौजूद है और राष्ट्र युवा शक्ति मंच जो है उनके अध्यक्ष उत्तम जी से आज हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें, इन मंच का हमेशा से संघर्ष रहा है, जो शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई है, उनको इनका कहना है कि इस मंच का ये कहना है कि उनको लोग भूलते जा रहे, कहीं ना कहीं उनको वो सम्मान मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिनके वो हकदार है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, आपके जो मंच का उद्देश्य क्या है? पहले तो आपकी चैनल को राष्ट्रीय युवा शक्ति परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ कहना चाहता हूँ। देखिए, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है और जिस व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता, वो सफल ही नहीं पाएगा। छोटे बच्चे हो चाहे कोई छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, हर लोग अपने एक उद्देश्य के साथ चलते हैं। तो उसी तरह राष्ट्रीय युवा शक्ति एक उद्देश्य के साथ बना। 2013 में हम लोग कुछ नौजवान लोग मिलकर एक तिरंगा शोभा यात्रा निकाले थे, कुछ ही संख्या में, लगता है 50-60 की संख्या में हम लोग निकाले थे। एक साल ब्रेक हुआ, उसके बाद 2015-20 दिसंबर को पहाड़ी मंदिर में हम लोग एक बैठक बुलाएं और बैठक में जिनको भी आमंत्रित किए थे करीब करीब लोग पहुँचे, 60-70 लोग पहुँचे और सबका सहमति बना। उस दिन सहमति में हम लोग कई चीज़ तय किए कि जब भी राष्ट्रीय युवा शक्ति का कोई बैठक हो तो पहला राष्ट्रगान से हम लोग इसका हर चीज़ का शुरुआत करते हैं। दूसरा, पहले हम लोग शुरुआत में 2013 में इसका नाम रखे थे युवा शक्ति, बाद में बोले कि नहीं, हम लोग जब इस विषय पर कवर करना है तो इसका नाम राष्ट्र जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय युवा शक्ति। तो इसका तीन उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि हमें अपना फेस्टिवल याद है, हमें अपना कोई चीज़ का भी शादी ब्याह हो कोई चीज़ हो पहले से तैयारी में लग जाते हैं। अब दिवाली आने वाला है तो 15-20 दिन से पहले ही साफ सफाई से लेकर सारा कुछ लोग करते हैं, सारा कुछ सब जो जिस धर्म के लोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस है, वो एक सरकारी आयोजन बन के रह चुका है। आप रांची का ही बात करते हैं तो रांची में कहीं नज़र नहीं आएगा लोगों मोरबादी मैदान में, तो वो सिर्फ सरकारी कार्यक्रम बन के रह चुका है। और लोग बहुत होगा मर्क होगा तो क्या होगा, कार में राष्ट्रीय ध्वज लगा लिए, लेकिन वो कार में लगता है वो अपमान होता है, वो दूसरे दिन कहीं कूड़ा में फेंका हुआ मिलेगा, वो इसे सम्मान नहीं हो सकता। तो इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति ने उठाना है कि हिंदुस्तान के हर एक घर पर राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन हो, ये राष्ट्रीय युवा शक्ति का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य कि शहीद की बात हर कोई करते हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन झारखंड शहीदों की धरती रहा है। तो 1855 में ही 30 जून हुल दिवस, जिसको हम लोग झारखंड के लोग मनाते हैं, जो सिद्धू कानू और फूलो झानू ने कुलगुलान की शुरुआत की थी, तो आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग लड़ाई लड़के आज देश को आज़ाद कराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आज तक उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया है। अब छोटी छोटी बातों को मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के फंड से लोगों को आवास योजना का लाभ मिलता है, आज तक किसी भी शहीद परिवार को आवास सरकार के द्वारा नहीं मिला, ये दुखद है। बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था, क्योंकि वो उनके पिता जो शहीद हुए हैं वो अपने घर के लिए नहीं, वो देश के लिए वीरगति प्राप्त की हैं, तो कम से कम हम उनके बच्चे को जहाँ पढ़ना चाहिए, जिस विद्यालय में पढ़ना चाहिए, जिस संस्था में पढ़ना चाहिए, उसका पैसा सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत से ऐसे शहीद पर झारखंड में 80-90% लोग गाँव के जवान सरहद पर जाते हैं, और उनका जब घर जाइएगा तो एकदम घने जंगल में एक छोटा सा घर मिलेगा झोपड़ी नुमा, और वहाँ का जवान शहीद होता है, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ होती है, उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको अपना अधिकार कैसे ले हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो अपना हक अधिकार ले लेती है, लेकिन जिसको पता ही नहीं कुछ है, अगल बगल के लोग उनको मैंने इधर उधर भटका के कुछ पैसे भी टालने का काम करते हैं, लेकिन वो काम उसका आज तक नहीं। बहुत सारे लोग हैं झारखंड में जो आज तक उसको ना नौकरी मिल पाया है, ना बच्चे का पढ़ने का व्यवस्था है। आज लोग नक्सली की ओर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि भाई एक तो जॉब है नहीं, 9-10 से 20 साल के बच्चे सूखे नशे की ओर, चरस अफीम गांजा टैबलेट, अब बच्चे लड़के तो लड़कियां लोग आज के डेट में चले जाइए मोरबादी में, अभी तो मोरबादी मैदान, अब तो सारा दुकानों को हटा दिया, मोरबादी मैदान में इस तरह की चीज़ आम है। रांची शहर में घूमिएगा तो हर जगह मिल जाएगा नशीले पदार्थ, लड़की हो लड़का हो, हर छात्र छात्रा लोग कर रहे हैं। तो सरकार को उसको कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जागृत करना होगा, ये जब तक नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। तो अंतिम सवाल है कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं और जनता से भी? देखिए, सरकार से हम यही अपील करेंगे कि जो 1855 से लेकर आज तक जितने भी शहीद के वंशज है, चाहे वो सिद्धू कानू के वंशज है, फूलो झानू का वंशज है, चाहे जिनके भी वंशज है, उसको सम्मान पूर्वक उसका अधिकार मिले, उनके बच्चे को अधिकार मिले, और आज इधर जो शहीद हुए हैं उनको भी सम्मान पूर्वक
उनका सारा व्यवस्था हो। और आरक्षण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम चाहे वो अच्छे विद्यालय में उनका कोटा हो, अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका कोटा हो, उनके नौकरी में कोटा हो, हर जगह जिस तरह जेपीएससी में भी कोटा करना चाहिए। इस तरह जो आप इधर उधर कर रहे हैं, हकदार यही लोग हैं। और जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक देश हमारा सुधरने वाला नहीं है। यूथ को सही राह देना होगा, और यूथ हमारा भटक रहा है, यूथ को अगर संभालेगा कौन? आज पंजाब का हालत देख लीजिए, जिस तरह नशा में पंजाब बर्बाद है, उसका नाम ही रखा गया उड़ता पंजाब। भारत युवाओं का देश कहलाता है, 67% देश युवा हैं, और जिस रफ्तार से नशा हमारे नौजवान को बर्बाद कर रहे हैं, सरकार अगर प्रशासन नहीं चेती तो आने वाला समय में पूरे हिंदुस्तान का नाम जो युवाओं का कहलाता है वो समाप्त हो जाएगा। ये हम सरकार से अपील करते हैं और आम लोग से अपील करते हैं कि जब पुलवामा जैसी घटना, उरी जैसी घटना होती है तो लोग हर कोई का आंख नम होता है, लेकिन 4 दिन के बाद लोग भुला जाते हैं। आप शहीद के गांव चले जाइएगा, अगल बगल के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, कह रहे इनको तो इतना पैसा मिला, उनको तो इतना मिला। अरे भाई, वो देश के लिए वीरगति प्राप्त किए हैं। अगर आपके बच्चे भी कहीं नौकरी कर रहे होंगे ना, उनके भी एक्सीडेंट में कोई घटना घटेगा तो उनको भी उनका मुआवजा जो होता है वो मिलेगा। ये तो देश के लिए शहीद हुए थे, तो ये मन में भावना नहीं रखें और उसको सम्मानपूर्वक उनके बच्चे को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार वालों को सम्मानपूर्वक अधिकार देने का काम करें। तो आपने सुना कि साफ तौर पर कहा, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जो फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, जी हाँ, ये जो माफ करिएगा, हाँ, उड़ता पंजाब जो नशीली पदार्थ पे फिल्म बनी थी, जो युवाओं इतना सेवन करते हैं, ये बात सच है। रांची में भी कई सारे इलाके हैं, मुराबादी आप चल जाइए शाम में, अभी तो खैर चाय के स्टॉल हटाए गए इसलिए अभी उतना भीड़ नहीं लगता, लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज भी रांची में, पूरे झारखंड में जगह जगह युवा जो है कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ का सेवन करो और अपना जो गोल्डन एज है, गोल्डन ईरा है, उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करे। और खासकर जो शहीद हो जाते, अवश्य बात है, जब देश के लिए आप अपना बलिदान देते हैं, शहीद होते हैं, और जब एक घर का मुखिया जाता है तो पूरा घर नहीं बल्कि पूरा खानदान टूट जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर और उनके बच्चे पर, खासकर जो चला गया वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो बच्चे बच गया उनको कितना बेहतर शिक्षा दिया जाए, उनके आने वाले भविष्य को कैसे संवारा जाए, उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं परसेंटेज में कंसेशन या कुछ ऐसे तरीके सोचे जिससे इनके बच्चे भी देश के लिए, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए नहीं करेंगे और बच्चे को अगर ऐसा छोड़ दे तो फिर उनके मन में भी ये भावना आ जाएगी कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हो गए, उनको क्या मिला, हमारा और जिंदगी बर्बाद हो गया। तो इस तरह की भावना से बचने के लिए, नेशनलिज्म का जो भावना है उसको पनपने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे एनजीओ की मदद, साथ में मिलकर एनजीओ, कॉपरेटिव सोसाइटी, इन सबको साथ में मिलकर आना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा विकल्प, और उस पर काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।